तुम्हारे मामा और हम तो ये बात कर रहे थे कि हमारा अनिकेत बेटा जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं क्या करूं पूंज? आपको इस बंटवारे को रोकना होगा, किसी भी तरह, किसी भी हालत में, कुछ भी कीजिए, लेकिन लेकिन ये बंटवारा मत होने दीजिए। काका, मॉम कहाँ है? वो पूजा कर रही हैं। आपको तो मालूम है, पूजा पर बैठती हैं तो थोड़ा समय लगता है। कोई बात नहीं, उन्हें पूजा करने दीजिए। दीदी, मैं भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। आप यहाँ? आप बैठिए, मैं मॉम को बुला के लाती हूँ। नहीं, मैं तुमसे ही मिलने आई हूँ काका। मुझसे? अब तक मैं सुनती आई कि तुम किसी भी लड़की को मेरे घर पे बहू बनकर नहीं आने दोगी। तक सुनती आई कि तुम मेरा घर बर्बाद कर देना चाहती, लेकिन आज देख रही हूं मेरे बेटे ही मेरे घर के टुकड़े कर देना चाहते। अभी उनकी शादी नहीं हुई, बहू घर में नहीं आई, घर बसा भी नहीं, और वो दोनों बंटवारा बंटवारा करके अलग होना चाहते। तो आप उन्हें समझाइए ना, इस मामले में हम भला क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बस आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर बिजनेस का बंटवारा हो गया तो आपका बिजनेस बिखर के रह जाएगा। सब सुनती आई, पर आज देख रही हूँ बेटियां घर के टुकड़े नहीं करती, पर बेटे बने बनाए आशियाने को तोड़ने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। मैं नहीं चाहती इन हालातों में मेरे घर में बंटवारा। अजीब बात कर रही हैं आप। अब इसमें भला काम्या बिटिया क्या कर सकती है? वो आपके बेटे हैं, आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या काम्या बिटिया की बात मानेंगे? मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे जाकर मदद मांगूं। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी माँ को घुट घुट कर जीते देखा है, और उन्हें देखकर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा हुई है। लेकिन यकीन मानिए, आज आपके इन आंसुओं में वो सारी नफरत बह गई। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, जो बन पाए वो करूंगी, विश्वास रखिए। कुछ भी करूंगा मैं, कुछ कैसे भी करके मेरे घर को टूटने से बचा। सबको यही लगता है, अगर बंटवारा हुआ तो घर बिजनेस सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आपके बेटों को जो करना है उन्हें करने दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके घर का बंटवारा नहीं होगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुल की ज्योति कन्या।
देखा ना जो मैं कह रही थी कितना सच निकला। अब जीजी के कदम एक बार सावित्री की दहलीज पर क्या पड़े, अब फिर चली गई उनके घर। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही होंगी। और क्या बातें होंगी, ऐसी बात है कि बंटवारे का मुद्दा गर्म है। फिर विकास से बहुत अल्टीमेटम ही दे दी कि अगर ये बंटवारा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आपको क्या लगता है जी, वो बंटवारे को रोक देगी? होगा कुमुद, होगा अच्छा होगा अगर वो बंटवारे को रोक। दोनों घरानों के बीच दुश्मनी की चिंगारी लगते बुझने लगी थी ना, इस कोशिश से वो एक बार फिर सुलझे और हम तो यही चाहते हैं। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा जी? ओफ़ वो भाग्यवान, तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे दो के झगड़े में हमेशा तीसरों का फायदा होता है और हम फायदा उठाने को बैठ गए। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं, अभी तक हम लोग ये साबित नहीं कर पाए कि जीजा जी को अगवा करवाने में कामया का और काम्या अगर इस घर के मामले में दखलंदाजी करेगी तो विकास को सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। अरे गरम खून है भाई। वो तो सब ठीक है जी, लेकिन अगर काम्या ने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो? अगर जीजी सावित्री के पास मदद मांगने गई है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि काम्या कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। खैर जीजी आने वाली है, तुम जाओ उनका इंतजार करो और जैसे ही वो आती हैं, उनसे उगलवाने की कोशिश करो कि वो यहां से क्या सोचकर गई थी और वहां जाकर क्या क्या बातें हो। बस ठीक है जी, मैं सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती हूँ। आगे राम जी की मर्जी। बात हुई काम्या से? क्या बात की आपने? वो काम्या मान तो गई ना आपकी बात? वो बेटी है कुमुद, आंसुओं का मतलब समझती, और आज तो उसने साफ साफ कह दिया कि मेरे आंसू उसकी नफरत को बहा कर ले गए। हाँ कुमुद, मेरे बेटे मेरे आंसुओं का एहसास नहीं करते। उसने मेरे आंसुओं को समझा, मेरे आंसू उसकी नफरत को बहाकर ले गए हो या ना ले गए, पर आज उसकी बातों ने मेरी सोच को बदल कर रख दिया। मैं सोचती थी कि बेटियों का कोई महत्व नहीं होता, महत्वहीन होती, पर अब समझ में आया कि बेटियां ही मां बाप के दर्द को समझ पाती। क्या हो गया जीजी आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो ये लगता है कि वो काम्या अब आपको भी ना बहला फुसला कर कोई नया खेल खेलने वाली। मुझे नहीं पता इसके दिल में क्या है, पर इतना जानती कि तकदीर मेरे साथ खेल खेल रही। जी जी, अरे हम सब आपके अपने हैं। और वो आपके सौतन की बेटी है, बेटी बस। अरे वो आपकी कभी नहीं हो सकती। बस उसने दो बोल मीठे पीले प्यार से क्या बोल दिए, आप खुश हो गई? तुम इस बात को महसूस नहीं कर पाओगे कुछ, तुम रिश्तेदार हो, विकास और अनिकेत के बारे में कुछ बुरा बोलकर बुरा नहीं बनना चाहते। तो मुझे किसी से तो मदद मांगनी थी। चेची,
आप दुनिया में किसी की भी मदद मांग लेती ना तो हम मदद की उम्मीद कर सकते थे, पर आपने, अरे मदद मांगी भी तो किससे? उस कामिया से? उसका तो नाम सोचकर ना मुझे एक ही कहावत याद आती है, मुंह में राम और बगल में छुरी। आपने उस पर भरोसा कर कैसे दिया जी? रहने दो पुंजू, मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहती और कहना भी नहीं चाहती, मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो। कुल की ज्योति कन्या। वो आज फिर यहाँ आई थी और मुझसे मिले बगैर ही चली गई। हाँ माँ, मैंने उनसे कहा था कि मैं आपको बुलाकर लाती हूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मेरे ख्याल से अपनी शर्मिंदगी की वजह से वो आपका सामना नहीं कर पा रहे। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हीं की वजह से आपके साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ काम्या, मेरे और इनके बीच में आने वाली सुमति ही थी। इसीलिए मैं इन्हें अपनी अहमियत, अपने वजूद का एहसास करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि इन्हें पता चले कि मैं कोई कांच का टुकड़ा नहीं हूं। आप ठोकर मारेंगे और मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। जो हमने दिखाना था वो तो हमने दिखा ही दिया ना, और अगर बात की जाए तो हम किसी को क्या दिखाएंगे? हर सवाल का जवाब वक्त खुद देता है और उन्हें उनके सवाल का जवाब वक्त ने दिया है। कल तक जिन बेटों पर उनको गर्व था, आज उन्हीं बेटों की वजह से वो शर्मिंदा है। और मुझसे मदद मांगने आई थी। बिल्कुल ठीक किया तुमने। अगर दरवाजे पे कोई मांगने आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। हम उन्हें अपनी अहमियत का एहसास दिलाना चाहते थे, वो हमने दिला दिया। वरना सुमति कभी इस दरवाजे पे मदद मांगने नहीं आती। आज मैं तुम्हें कहती हूं बेटा कि सच्चे दिल से उनकी मदद करना, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि बेटियों का क्या महत्व होता है। लेकिन मालकिन, उनकी वजह से आपको जो पूरी उम्र इस हालत में गुजारनी पड़ी उसका क्या? आपने सुना नहीं अभी अभी काम्या ने क्या कहा? वक्त खुद ही अपने हर सवाल का जवाब दे देता है। अब तो मुझे भी एहसास होने लगा है कि शायद वो मेरी तकदीर थी। अगर मेरी तकदीर ही ऐसी थी तो किसी और से शिकायत करने का क्या मतलब? काम्या, तुमने वादा तो कर दिया लेकिन तुम करोगी क्या? मैंने उनसे वादा किया है तो निभाने का रास्ता भी ऊपर वाला जरूर दिखाएगा, क्योंकि मैंने वादा भी सच्चे दिल से किया है और निभाने की कोशिश भी पूरे मन से करूंगी। शाबाश बेटा। थैंक यू। मिस्टर मेहरा, जब मैंने कहा था कि कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी तो बावजूद इसके नया अकाउंट्स ऑफिसर क्यों रखा गया? सर, ये अपॉइंटमेंट मैंने नहीं दी है, वो तो विकास सर के कोई दोस्त हैं।
और उन्हीं के कहने पे ये अकाउंट ऑफिसर की जॉब उन्हें दी गई है। ये कोई अपॉइंटमेंट देने का वक्त है? मैं कुछ नहीं जानता। जब तक सब कुछ सुधर नहीं जाता, किसी को कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। जाकर कह दीजिए विकास से। क्यों नहीं होगा नया अपॉइंटमेंट? क्यों? क्या उसके लिए भी हमें किसी मौसम का इंतजार करना होगा? क्यों मिस्टर मेरा? इस कंपनी में अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट खाली थी, मैंने अपने किसी जानने वाले को दे दी, तो क्या गलत किया? सर प्लीज, इस तरह बात को बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। मिस्टर मेरा एक बात बताइए, क्या इस कंपनी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है? क्या इस कंपनी में मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह हूं? सिर्फ एक एम्प्लॉय जो अपने बॉस के ऑर्डर के बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उसे कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों? ठीक है, जिसके जो जी में आए वो करे। मिस्टर मेरा कह दीजिए इनसे कि सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन की। कल बंटवारे के बाद मेरा कोई भी आदमी इन पर बोझ नहीं होगा। मिस्टर मेरा, बदतमीजी की एक हद होती है। इनसे कह दीजिए कि मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि अरे बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूं भाई, और ये सब करने के लिए भी मुझे मजबूर आप कर रहे हैं, सिर्फ आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं ना, ये करके भी आप इस बंटवारे को रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आपकी ये कोशिश है मुझे मजबूर कर दे कि हमारे बीच में जो छोटे बड़े की दीवार है उसे मैं हमेशा के लिए गिरा दूं। हेलो जी, कुंज बिहारी जी, कहाँ हैं आप? ऑफिस का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है, और बड़े सर भी नहीं है कि मैं उन्हें फोन करके सब कुछ बता सकूं। जी हाँ, माहौल खराब हो रहा है। जी जी बिल्कुल। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। जी जी, मैं समझती हूँ आपकी परेशानी। इस घर के अकेलेपन ने आपके मन को किस कदर परेशान कर रखा है। अगर ऐसा नहीं होता ना जीजी, तो आप उस कामया के घर कभी नहीं जाती। अकेली तो मैं हो गई, घर में सभी लोग हैं, और एक इंसान के जाने से घर कितना वीरान हो गया। इसीलिए तो जीजी, इसीलिए मैं कह रही थी कि विकास और अनिकेत दोनों की शादी करो भाई, इससे घर में रौनक भी आ जाएगी और सबको अच्छा भी लगेगा। ये भी शायद मेरे ही कर्मों की सजा है, अपनी बहू की कद्र नहीं की मैंने। मोती की चाहत में मैंने उसे नजरों से गिराया। आज तो ऐसा लगता है कि उन गलतियों की वजह से मेरे इर्द गिर्द कांटे से लगे हुए हैं जो मुझे चुभते रहते हैं, और उन गलतियों के भंवर में मैं फंसी पछता सकती हूँ, रो सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। और आज तो मुझे ऐसा लगने लगा है, मेरी बहू मरी नहीं है, उसकी हत्या की गई है। उसकी हत्या हुई थी? आप क्या कह रही जीजी? ठाकुर, मैंने की उसकी हत्या, मैंने ही
उसे मरने पर मजबूर कर दिया। किसी के लिए ये बातें उसे इतनी चुभ गई थी कि उसने खुदकुशी कर ली। मैंने अनिकेत की दूसरी शादी और उसका घर बसाने की कितनी कोशिश की, मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। और होती भी कैसे, कुदरत जुल्म की सजा देती, कुदरत जुल्म की सजा देती, इनाम नहीं तो मुझे इनाम कैसे मिलता। मुझे भी कुदरत की सजा भुगतनी है। मन को सुकून नहीं होता ना तो मन कहीं भी नहीं लगता। और ये बात तो हमें साफ साफ पता है कि कोई महिला उन्हें हमारे घर से लेकर गई थी। मिस्टर अनिकेत, हमने उस महिला के बारे में जानने की पूरी कोशिश की। भूल जाओ मैं कि मैं अनिकेत हूं। सच तो यही है कि तुम दोनों भूल चुके हो कि तुम कौन हो, और इस वक्त तुम अनिकेत नहीं हो। इसलिए जाओ यहां से, कल सुबह बात करेंगे।